हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। देखो, कभी भी अगर कोई भी आपको आपकी तुलना करे ना किसी से कि फलहाने के बच्चे ने, शर्मा जी के बच्चे ने तो इतना अच्छा कर लिया, तुम कुछ नहीं कर पाए, तो उस चीज़ में चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे कोई रिश्तेदार हों, कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, ठीक है, उस चीज़ को लेके कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट मत होने देना। क्यों? क्योंकि शर्मा जी का बच्चा ना आपसे बहुत अलग है और आप शर्मा जी के बच्चे से बहुत अलग हो। जो शर्मा जी का बच्चा करता है, कर सकता है या उसने किया, शायद आप ना कर पा रहे हो फिलहाल, आगे कर पाए, या जो आपने किया है या आप कर चुके हैं या कर सकते हैं, क्या पता वो शर्मा जी का बच्चा ना कर सकता हो, है ना। तो इसी सोच को बरकरार रखते हुए अपने अंदर हमेशा मोटिवेटेड रहने की कोशिश करना। कभी खुद को भी किसी और से कंपेयर मत करना। कभी ये मत सोचना कि फलाना बंदा बेटर है, मैं बेटर क्यों नहीं हूँ। आप उस पर्टिकुलर चीज़ में बेटर ना हो, क्या पता आप किसी और चीज़ में उस दूसरे बंदे से और ज़्यादा बेटर हो, और ज़्यादा अच्छे हो, है ना। तो इस चीज़ को लेके कभी भी डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। तुलना कभी भी मत करना अपनी किसी और से, कभी मत करना, ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण होता है मोटिवेशन का, और यही चीज़ हम बहुत बार नहीं समझ पाते हैं। इस चीज़ को समझना, ठीक है। तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है ना, वो आपका डिटर्मिनेशन तो होता ही है, मोटिवेटेड रहना, हर टाइम मोटिवेटेड रहना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। तो आओ इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उस स्टेट गवर्नमेंट का नाम बताना है जिसने हाल ही में अभी सेट किया है क्या अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी को सेटअप किया है, URIDA, दैट इज़ अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी को सेटअप किया है ताकि इम्प्लीमेंट हो सके CM, दैट इज़ चीफ मिनिस्टर ग्रिड स्कीम, और क्या हो सके, सुपरवाइज हो सके रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो किस स्टेट ने URIDA को सेटअप किया है? ये किया है यूपी ने, ठीक है। किसने किया है? यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में हम यूपी भी कह देते हैं, है ना। तो जो अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है यूपी गवर्नमेंट के अंडर, उन्होंने बेसिकली सेट किया है अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी को, ताकि जो चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, CM ग्रिड स्कीम, वो इम्प्लीमेंट हो सके ग्राउंड लेवल पर। और यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया है CM ग्रिड स्कीम को, जिसकी वर्थ अराउंड 500 करोड़ रुपए है, ठीक है, जो बेसिकली टू कंस्ट्रक्ट रोड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑल द सिटीज़, ठीक है। इस 500 करोड़ का यूज़ किस में होगा? जो सड़कें हैं उनको बनाने के लिए होगा, और ऐसी सड़कें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे खड़ी उतरती हों, ठीक है, सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो सड़कें खड़ी उतरती हों, ठीक है, उस स्तर की सड़कें बनाने के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट यूपी गवर्नमेंट ने पास किया है, है ना। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिसने आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। देखो ये जो हुआ है ना, वो आई स्टार राजस्थान एक इनिशिएटिव के अंडर हुआ है। तो अब स्टेट का नाम बताने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहीं से आप समझ गए होंगे कि ये राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है। क्यों किया है? ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सके, बूस्ट हो सकें, बढ़ सकें, लोगों को बेहतर एम्प्लॉयमेंट मिल सके, है ना। तो हुआ क्या है, जो राजस्थान की गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया है आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, ठीक है। ये पोर्टल आई स्टार्ट राजस्थान, जो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट का, उसके अंडर शुरू किया गया है। किसके कोलैबोरेशन के साथ? एक जयपुर बेस्ड कंपनी है हायरेफॉक्स, उसके कोलैबोरेशन के साथ बेसिकली इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च हुआ है ब्रह्माशाह टेक्नो हब राजस्थान में, ठीक है, गुजरात राजस्थान में। और ये बेसिकली ये जो पोर्टल है वो क्या करेगा, वो जो कंपनीज़ है उनको भी वो कंपनीज़ भी इस पोर्टल पे जॉब ओपनिंग्स डालेंगे, ठीक है। और
कंपनी क्या होगी, कंपनी भी हायर कर पाएगी टैलेंटेड लोगों को इस पोर्टल के माध्यम से। यानी कि जिसको जॉब चाहिए वो इस पोर्टल पे आके कंपनी की ओपनिंग चेक कर सकता है, अपनी डिटेल्स डालेगा एंड कंपनी भी टैलेंटेड लोगों को इस पोर्टल से लाइक उनकी डिटेल्स लेके जो उन्हें लगता है पर्टिकुलर पर्सन बहुत टैलेंटेड है, अच्छा है, उसको हायर कर सकती है ना। तो आगे चलें, नेक्स्ट देखें। देखो बिशन सिंह बेदी जिन्हें ऑनर किया गया था पद्मश्री से, ठीक है, स्पोर्ट्स में 1970 में, वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? अभी 1970 की बातें हम अभी क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्यों हम बिशन सिंह बेदी के बारे में पूछ लें? बिकॉज ही पास्ड अवे, ठीक है, देहांत हो गया है इनका। तो बिशन सिंह बेदी जो हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं बेसिकली। इन्हें एक अवार्ड और मिला है, इन्हें सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में मिला है। कब मिला है इन्हें ये अवार्ड ना, बेसिकली 2004 में मिला था, ठीक है। लिख देती हूँ, एक तो आपने देख ही लिया, दो चीज़ें हैं, एक पद्मश्री जो अभी क्वेश्चन में मेंशन है अगर पूछे तो 1970, और दूसरा अवार्ड जो इन्हें मिला है सी के नायडू, ठीक है, सी के नायडू अवार्ड, ठीक है, नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का मिला है 2004 में मिला है, ठीक है। अचीवमेंट अवार्ड 2004 में मिला है, ठीक। दो अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके हैं, कब से कब तक ये रह चुके हैं? 1967 से, ठीक है, 1966 से 1979 तक, ठीक है, काफ़ी विकेट्स लिए हैं, काफ़ी मैच खेले हैं इन्होंने, ठीक। इनके बारे में इतनी बात सफिशिएंट है, पूछा जाए तो आप दोनों वर्ड्स के बारे में बता सकते हैं अगर कभी पूछ लें तो, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। ग्रैंड मास्टर नादिर बेग याकुबोव ने अभी हाल ही में कतर मास्टर्स ओपन 2023 का टाइटल जीता है, ठीक है। ये किस कंट्री से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं उज़्बेकिस्तान से, और जिन्हें इन्होंने हराया है वो भी उज़्बेकिस्तान के हैं, ठीक है। उनका नाम भी देख लेते हैं, देखो नादिरबेक याकुबोव, इन्होंने तो जीता है कतर मास्टर्स ओपन, चेस टूर्नामेंट है ना, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, ठीक। कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है। अब इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने नादिरबेक अब्दू सत्रोव को हराया 2-0 से, ठीक। जो इंडियन ग्रैंड मास्टर है SL नारायण, उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है, तो ये नाम भी याद रखना। अगर इंटरनेशनल मास्टर्स की बात करें तो वैशाली रमेश बाबू ने जो इंडिया किया है, उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वुमेन्स चैम्पियन टाइटल में, और इंटरनेशनल मास्टर दिव्या देशमुख ने दूसरी, और वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स अलुआ नुरमनोव ने जो कजाकिस्तान की है, इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है, ठीक है। तो इनके नाम थोड़े से ट्रिकी हैं, डिफ़िकल्ट हैं पहली बार में पढ़ने में, है ना, बट याद तो आपको करने हैं और ये तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों नाम सेम हैं, ठीक है। ये जो पोजीशन है सेकंड, ठीक है, वो डिफरेंट है। अब यहाँ मैं इसको सरनेम नहीं कह सकती बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, राइट। आगे चलें, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्पोर्ट्स से ही आ गया फिर से। अब जो क्वेश्चन पूछा है वो उन्नति हुड्डा के बारे में पूछा है कि उन्नति हुड्डा जो है वो किस खेल से संबंधित है। क्यों पूछा है? क्योंकि इन्होंने भी अभी एक टूर्नामेंट जीता है, बैडमिंटन से संबंधित हैं ये, ठीक है, उन्नति हुड्डा। और उन्नति हुड्डा की अगर हम बात करें तो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है अबू धाबी मास्टर्स 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का, जो अबू धाबी में हुआ था, ठीक है। और इन्होंने जो हराया है वो सामिया इमद फारूकी को हराया, जो भारत की थी फाइनल्स में,
ठीक है, ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया था यूएई बैडमिंटन फाउंडेशन द्वारा, और उनको सेंक्शन किसने किया था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने सेंक्शन किया था। ठीक है, अगर मेन सिंगल्स की बात करें, देखो सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन है, मेन सिंगल्स में कौन जीता, फिर मेन डबल में कौन जीता, फिर विमेन डबल में कौन जीता, ठीक है, और मिक्स डबल्स में कौन जीता। तो ये सारी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चारों नाम आपको, ठीक है, चारों नाम नहीं बोलूँगी, ठीक है, ये सभी कैटेगरीज में कौन कौन जीता ये आपको याद रखना है। अब ठीक, क्वेश्चन इन पे भी बन के आ सकता है, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ सकता है अश्विनी पनोपा ने कौन सी कैटेगरी में जीता अवार्ड, ठीक है, तो विमेंस डबल में, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक, फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद करना इज़ योर पार्ट, आपको याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। नोटेड अकेडमिशियन है, सिंगर है, लिरिसिस्ट है, क्या नाम है, वीरेंद्र नाथ दत्ता, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है, वीरेंद्र नाथ दत्ता जी का। पूछ रहा है वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। वीरेंद्र नाथ दत्ता जी की अगर हम बात करें तो ये असम राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली इनको अभी अवार्ड आप कह सकते हैं पद्मश्री मिला था 2009 में इनके लिटरेचर और एजुकेशन के की फील्ड में, ठीक है। इन्होंने 12वां जगदात्री हरमोहन दास लिटरेचर लिटरली अवार्ड भी इन्होंने पाया था 2010 में, तो ये दोनों अवार्ड याद रखिएगा। इसके अलावा टैगोर रत्न अवार्ड संगीत नाटक एकेडमी का 2012 में इन्हें मिला था, ये भी याद रखना। तीन अवार्ड्स इन्हें मिले हैं, तो तीनों अवार्ड्स याद रखना। जब भी किसी बंदे की डेथ हो ना, अगर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो, ठीक है, या फिर उसे पर्टिकुलर अवार्ड्स मिले हों, तो वो अवार्ड्स ज़रूर याद रखना, है ना। वो उससे क्वेश्चन बना देते हैं स्टैटिक फॉर्म में, जैसे अभी हमने 1970 में देखा था कि किस खेल से संबंधित है, ऐसे दे दिया था कि पद्मश्री अवार्ड ही है, पूछ ले कि इन्हें पद्मश्री किस ईयर में मिला, ठीक है, तो ऐसे करके सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस ईयर में मिला, तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है। तो इनको आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये याद रखनी पड़ेगी। अच्छा, बुक की बात करें तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है शंकर माधवर मनीषा अरु असोमर सांस्कृतिक उत्तराधिकार, ठीक है, ये बुक का पूरा नाम है, एक बुक है, एक बुक का नाम है, ठीक है, तो ये बुक भी उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड पोलियो डे पे क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड पोलियो डे ये भी क्वेश्चन रह गया था, 2 अक्टूबर 2024 को मनाया जाता है, ठीक है, 24 अक्टूबर को हम वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं। जो पोलियो वैक्सीन है वो किसने, आप जोनास साल्क ने उसकी बेसिकली खोज की थी, तो इन्हीं की याद में हम वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं। हमने स्टार्ट कब किया था ये दिन मनाना, 2022 से ही स्टार्ट किया है, ठीक है, ये दिन मनाना, ठीक है, जोनास साल्क जिन्होंने पोलियो वैक्सीन की खोज की उनकी याद में 24 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। किस इंडियन सिटी ने होस्ट किया, होस्ट करेगा भारत टेक्स 2024, टेक्स का क्या मतलब हो गया, TEX का मतलब हो गया टेक्सटाइल, ठीक है, भारत टेक्सटाइल जो भारत मंडपम में होगा, यशोभूमि में, नई दिल्ली में, कब होगा, 2024 में होगा, ठीक है, तो नई दिल्ली होस्ट करेगी 26 से 29 फरवरी 2024 में, ठीक है, भारत टेक्स 2024 बिगेस्ट एवर टेक्सटाइल इवेंट है ये भारत मंडपम में और यशोभूमि में नई दिल्ली में। ये इवेंट बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया है कंसोर्टियम ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। इसके 5 विजन्स देख लो, 5F विजन्स देख लो जो इम्पोर्टेंट है, फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन, ये पूछ सकता है, ठीक है, इस एक्सपो से रिलेटेड कि उसको ये एक्सपो एम्बॉडमेंट है 5F विजन्स में, इनमें से कौन सा विज़न नहीं है ऐसे करके, या इनमें से कौन सा विज़न है, तो कुछ भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना। बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, अराउंड
40 कंट्री इन्वॉल्व होगी इस इवेंट में, आप कह सकते हैं। नॉलेज सेशंस होंगे, सेमिनार्स होंगे, कॉन्फ्रेंसेज होगी, राउंड टेबल्स होंगे, सीईओ के B2B G2G मीटिंग्स होंगी, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स होंगी, प्रोडक्ट लॉन्च होंगे बहुत सारे, कोलैबोरेशंस होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा टेक्सटाइल रिलेटेड, काफ़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं, पर्पस पूछ रहा है किसका, नंदा गौरा योजना जो इंट्रोड्यूस की गई है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने नंदा गौरा योजना बेसिकली आप कह सकते हैं इंट्रोड्यूस की है, ताकि जो जेंडर रेशो है या लड़कियों की एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। कुछ पैसे पेरेंट्स को दिए जाएंगे जब बच्ची पैदा होगी, 11,000 रुपये और 51,000 रुपये आई थिंक ऐसा कुछ है, जब बच्ची 12वीं क्लास को पास कर लेगी, 12th क्लास को पास कर लेगी, है ना। तो हाँ, नंदा गौरा योजना पोर्टल भी पुष्कर सिंह धामी ने बेसिकली, एक ऑनलाइन फैसिलिटी है जो एनुअली प्रोवाइड करी होगी, अवेलेबल होगी 50,000 गर्ल्स के लिए जो परमानेंट रेजिडेंट होंगी उत्तराखंड की, उन्हें ही, उन 50,000 लड़कियों को ही एनुअली इस योजना में रखा जाएगा। जेंडर रेशो और एजुकेशन, लड़कियों की एजुकेशन पे फोकस किया गया है। जैसे मैंने बताया 11,000 रुपये दिए जाएंगे पेरेंट्स को एट द बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, और बेटी को 51,000 रुपये दिए जाएंगे जब वो 12वीं कक्षा को पास कर लेगी, जब वो 12th क्लास में को क्लियर कर लेगी, है ना। तो अमाउंट याद रखना, रिलेटेड कुछ पूछ लेता है कभी कभार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है 175 मिलियन USD का लोन ताकि एनहेंस हो सके क्या रोड कनेक्टिविटी और क्लाइमेट रिसाइलेंस, किस स्टेट में, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के लिए बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, 175 मिलियन US डॉलर का जो लोन है वो क्या किया है, वो अप्रूव किया है रोड कनेक्टिविटी और क्लाइमेट रिसाइलेंस के लिए, ठीक है। जैसा अभी बताया, ताकि बेटर, सेफर और मोर क्लाइमेट रिसाइलेंट रोड हो एमपी में, और जो कनेक्ट करे रूरल एरियाज को बेसिकली अर्बन एरियाज से, एंड जो रूरल एरियाज है टू द ग्रोथ सेंटर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी कनेक्ट हो, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पे स्टैंडर्ड 2 लेन फीचर जो एमपी में होना चाहिए उसके, वो भी इसके अंडर ही आता है, और 500 किलोमीटर का ये जो प्रोजेक्ट है ये एम करेगा अपग्रेड अबाउट 500 किलोमीटर्स ऑफ स्टेट हाईवे, ठीक है, एंड मेजर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल, राइट। सो आई होप चीज़ें समझ आई हूँ, नहीं आई होंगी तो यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो, राइट, कमेंट करके पूछ सकते हो जो भी चीज़ें होंगी। सो थैंक यू फॉर द टुडे सेशन, वी विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।